हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग लेके चलेंगे मैट्रिसेस टॉपिक, लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इससे पहले हम लोगों ने 3.4 का पहले आपका जो है 3.3 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुका है। आज चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ्स। ठीक है, मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा, चैनल का भी नाम है राकेश कुमार शर्मा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कर दीजिए ताकि आपका नया से नया वीडियो आपको मिलते रहेगा लेक्चर्स के रूप में। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्लास के रूप में। आज जो है हम लोग जो एक्सरसाइज 3.4 में डील करेंगे, क्वेश्चन है यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ इच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 से लेके अप टू 17 तक क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1-1, 2 और 3 है आपका मैट्रिसेस दिया हुआ है। आपको ए इक्वल टू आई ए होता है और आई का वैल्यू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका वैल्यू होता है 1001। दो रो दो कॉलम है इसलिए आई का वैल्यू जो है हमने दो रो दो कॉलम ही लिया है। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने, तो ये आपका जो क्वेश्चन था प्रॉब्लम वो डाला इक्वल टू क्या होता है आई ए, आई का वैल्यू है 1001 डाल दिया और ये इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। और बाद में क्या है, ये आई कहाँ आना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए और जो भी हमारा ऑपरेशन हुआ है इस साइड आ जाएगा। ठीक है, वही जो ऑपरेशन बनेगा वो होगा हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को रन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हमको क्या करना है, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, एक ऑपरेशन किया, यहाँ 0 लाते हैं पहले, तो इसको क्या करेंगे, ये है R2, R2 में से 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसीलिए हमने ऑपरेशन लिखा R2 tends to R2 - 2R1, मतलब इस वैल्यू को दोगुना से मल्टीप्लाई किया डबल से, और इस R2 ऑपरेशन में क्या किया R2 से माइनस कर लिया, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0। और यहाँ -1 से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 होगा, 3 + 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो +5 हो जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ भी ऑपरेशन वही ऑपरेशन जो दोनों बोथ साइड होगा एलएचएस और आरएचएस में। तो 0 को यहाँ डबल से मल्टीप्लाई किया हमने R1 को और माइनस किया तो क्या आएगा -2, और 1 को अगर 0 से डबल से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही रहता है, और 1 से फाइनली जो है ऑपरेशन में 2 R2 - 2R1 है, तो R2 से इसको मल्टीप्लाई किया तब भी ये 1 ही रह गया। ठीक है, तो जो ऑपरेशन होगा दो साइड होगा। अब हमने यहाँ 0 लाया, अब हमारा 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे क्या चाहिए हमको, -5, 1 है अभी और यहाँ 5 है, तब इसको भी 1 करना होगा, तभी तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे इनवर्स निकलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, R2 में क्या कर लेंगे हम लोग, 1/5 से R2 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड होता है R2 में। ठीक है, R1 जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, अभी तो क्या होगा, 0/5 होता है, 0 होता है, 5/5 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन यहाँ भी कराएंगे, R2 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो -2/5 हो जाएगा, 1/5 होगा, इतना क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या आ गया 1 0 1 आ गया, इस वैल्यू को हमको 0 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो इसको क्या आएंगे लेंगे R1 के ऑपरेशन में क्या करेंगे, R1 + R2 को ऐड कर लेंगे, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 0। यही ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे तो 1 के साथ क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 × 5 में से 2 गया 3/5 आएगा, और 0 × 1/5 ऐड करोगे तो वही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स का जो वैल्यू हमको निकालना था तो क्या आया 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू हो गया, यही आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी इसी तरह हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह दिया है, 2 1 1 1 दिया हुआ है। ओके, फॉर्म में डाल लेंगे आई ए, आई का वैल्यू 1 0 0 1 है, क्वेश्चन जो था ए का वैल्यू ये था, ये क्या था ए इक्वल टू आई होता है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, हमने क्या किया, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, चाहिए ना, क्योंकि हमको मैट्रिक्स में क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1, तो हमको यहाँ 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो क्या करना होगा, तो बच्चों तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको घटाएंगे हम लोग डबल से तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया तो क्या है 1, और 1 में से 1 गया 0 आया। ये तो आपका एक पहला रो आपका पता हो गया, 1 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही ऑपरेशन यहाँ भी चलाओगे तो R1 tends to क्या है R2 है, माइनस करना है R1 में से 1 में से 0 गया 1 ही रहेगा, 0 में से 1 जाएगा, -1 रहेगा, ये ऑपरेशन मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमको क्या चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए तो क्या करना होगा, R2 tends to R2 - R1 करोगे, तो R2 tends to R2 - R1 करोगे तो क्या 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 गया 1, यही ऑपरेशन यहाँ भी करोगे, 0 में से 1 गया -1
और वन में से वन जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू हो जाता है। इस तरह से हम लोग का जो यही वैल्यू जो है इन्वर्स हो गया। तो इन्वर्स का जो वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया, वन माइनस वन माइनस वन और टू। क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी तरह है, 1327 है। लिख दिया ऑपरेशन, ए इक्वल टू क्या हो गया, आईए होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया ऑपरेशन में 1001 और ए। अब हमको दो बहुत साइड ऑपरेशन करना है, तो हमको यहाँ पे जीरो चाहिए क्योंकि 1001 है, तो यहाँ जीरो चाहिए। तो इस पे से दो से गुना कर दोगे और इससे माइनस कर दोगे आर टू से, तो टू आर वन करके माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। वही ऑपरेशन हमको करना है, सब में चलाएंगे आर टू में, ठीक है। तो आर टू टेस्ट क्या किया हमने, आर टू माइनस टू आर वन, जो भी ऑपरेशन देखते हैं एलएचएस को देखते हुए करते हैं, क्योंकि इसको हमको 1001 फाइनली करना है, और जो ऑपरेशन यहाँ होगा वही ऑपरेशन उसके साथ चला देना है, तो उससे हमको इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। हमने वही किया, तो ये हमने ऑपरेशन किया तो ये वैल्यू आया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ वन आ गया, ये वैल्यू हमको जीरो चाहिए था। इस वैल्यू को जीरो करने के लिए हम ऑपरेशन देखेंगे, या तो तीन टाइम इसी के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, या तो इसके साथ करेंगे, तभी ये जीरो आएगा, ठीक है। इसके साथ अगर जीरो करके माइनस करते तो ये बनता क्या हो जाएगा, वन तो आएगा नहीं, हट जाएगा ये, ठीक है। तिगुना करके इसी से घटाएंगे, तो हम देखेंगे यहाँ जीरो है, जीरो कितने से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा, वन ही रह जाएगा। और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे और आर वन से घटा दोगे तो ये जीरो आ जाएगा। हमने वही ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन को किया हमने आर वन माइनस थ्री आर टू, ये आपका 1001 तैयार हो गया। और यही ऑपरेशन इसके साथ भी हमने किया, तो आर वन में क्या किया हमने, थ्री आर टू किया, तो थ्री आर टू करोगे तो थ्री टू या सिक्स माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सिक्स और वन क्या होगा अपना सेवन आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, थ्री वन जब थ्री, ठीक है, और जीरो से थ्री को घटाओगे तो माइनस करोगे तो माइनस किया आएगा। इस तरह से हमारा इसका ऑपरेशन का ए इन्वर्स का वैल्यू आया सेवन माइनस थ्री माइनस टू और वन, ये आपका आंसर एक क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। ओके तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, 2357। ऑपरेशन वही है, ए इक्वल टू 2357 इक्वल टू 1001 इंटू ए हो गया, ठीक है। काम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, पहले वन चाहिए, पहले ही हमको दिक्कत कर रहा है टू है, इसको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है ताकि ये वन आ जाए। तो इसको क्या करना है, हमको तीन से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तीन दूनी छः, छः में से पाँच घटाओगे तभी वन आएगा। ओके तो हमने क्या किया ऑपरेशन में, थ्री आर वन, आर वन में तो इसको है ही आर वन है, आर वन में थ्री से मल्टीप्लाई करके आर टू से माइनस कर लिया तो ये वन आया। तो जो ऑपरेशन यहाँ वन आया तो सबके साथ वही चलाना होगा। तो यहाँ पे भी क्या आएंगे, थ्री से कर मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन, नाइन में सेवन के टू होगा, यहाँ भी थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री में से जीरो जाएगा थ्री, जीरो को मल्टीप्लाई थ्री से भी करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, जीरो माइनस वन माइनस वन। ओके सेकेंड ऑपरेशन जब मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट ऑपरेशन, तो सेकेंड ऑपरेशन में क्या करोगे, अब हमको चाहिए यहाँ जीरो, तो जीरो करने के लिए इसको पांच टेन से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर लोगे, तो आर वन में क्या करोगे ऑपरेशन चलाओगे क्या, कि आर टू टेंस टू आर टू में से फाइव को आर वन को माइनस कर लेंगे तो जीरो आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, फाइव से मल्टीप्लाई करोगे टेन आएगा, सेवन में से टेन किया माइनस थ्री। इसी तरह यहाँ भी करोगे तो आपका यहाँ कितना मल्टीप्लाई हुआ, फाइव से, तो फाइव से जो फिफ्टीन हो जाएगा, जीरो में से फिफ्टीन किया माइनस फिफ्टीन, तो इसको भी फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फाइव, वन में से फाइव जाएगा माइनस में तो क्या होगा प्लस सिक्स हो जाएगा। ओके इस तरह से बाद हम लोग आगे जो चलेंगे, अब हमको यहाँ वन आ गया जीरो आ गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे वन चाहिए और यहाँ पे जीरो चाहिए। अब हम इसको ऑपरेशन देखते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करना है। अब इसमें हमको क्या आ रहा है, वन चाहिए, इसको क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट में जो है माइनस वन बाई थ्री से अगर कर देंगे डिवाइड तो ये वन आ जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड कर तो जीरो आता है, कोई वो दिक्कत नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी। तो ये ऑपरेशन हमने चला दिया, आर टू पे क्या कर दिया मैंने, माइनस वन बाई थ्री आर टू को डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो आर टू पे ही वैल्यू को डिवाइड किया आर टू से, ठीक है, कितना टाइम्स पे मल्टीप्लाई करके, माइनस वन बाई थर्ड ऑपरेशन करके, ठीक है, मल्टीप्लाई के टर्म में कर लिया। तो सब आपके साथ फाइव वन बाई थ्री डिवाइड होगा तो क्या आएगा, माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली फॉर फाइव। इसके साथ भी आपका थ्री डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस टू होगा। नेक्स्ट हमको अभी चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, जीरो चाहिए, है ना, 1001। तो हमको जीरो चाहिए तो क्या करेंगे ऑपरेशन, अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे टू टाइम्स, ठीक है, आर टू में, और आर वन से माइनस कर लोगे तभी ये जीरो आएगा। तो आप क्या करेंगे, आर वन में क्या किया हमने, टू आर टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आर वन में मैंने टू और मल्टीप्लाई कर दिया टू आर टू से, तो क्या आया मेरा, तो मेरा ऑपरेशन में आया आपका आर वन टेंस टू, आर वन में से माइनस किया मैंने आर वन टेंस टू। ओके तो मेरा हमको ये घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या आर वन में से क्या किया, टू आर वन आर टू को माइनस कर दिया, तो वन में से कितना भी टाइम जाएगा तो क्या आएगा, वही रह जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यह मैंने कर लिया ऑपरेशन को,
तो हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑपरेशन, ये आपका आ गया, तो वन में से टू आर वन को कटाया तो वन ही रह गया, और यहाँ पे आपका टू में से मल्टीप्लाई करके हमने किया तो क्या आया, टू टू जा टू में से टू को घटाया, दो को मल्टीप्लाई करके ये ऑपरेशन आपका क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ भी वही ऑपरेशन चलाया, ठीक है। तो फाइव टू जर कितना आएगा, टेन, तो थ्री में से टेन जाएगा, माइनस सेवन आएगा, और माइनस टू में टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ आपने क्या किया, सिक्स से किया तो आपका माइनस सेवन आया, ठीक है। फाइव टू जा और टू टू जा फोर, तो यहाँ आपका आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव है, ए इक्वल टू 2174 है, काम वही करेंगे, ए इक्वल टू 2174 किया, मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए किया, 1001 इनटू ए मैट्रिक्स लाकर ऑपरेशन क्या किया हमने, हमको पहले चाहिए वन, तो आपको पता है कि वन लाने के लिए क्या करना होगा, इसको हम क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो थ्री से मल्टीप्लाई करें, अगर आपका जो है फोर टू जाइट होता है, तो अगर थ्री से करते हैं तो इससे घटाना पड़ता है, अगर फोर से कर लेंगे तो पॉजिटिव वन आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो फोर को आर वन में क्या किया, फोर टू जाइट और आर टू से घटा लिया, तो एट में सेवन किया वन आ जाएगा। तो यही ऑपरेशन हम बोथ साइड चला लिए, ठीक है। बाकी नीचे वाला जैसा था आर टू वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, फोर आर वन में से फोर गया, क्या होगा, जीरो, पहला वाला इनपुट क्लियर हो गया। तो इसमें इसी तरह ऑपरेशन मैंने इसमें भी किया, तो फोर इंटू वन क्या आएगा, फोर, फोर में से जीरो गया, फोर ही रहेगा, और जीरो इंटू फोर जीरो ही होता है, जीरो में से वन गया, माइनस वन, फर्स्ट ऑपरेशन क्लियर हुआ। सेकेंड ऑपरेशन में अगर हम देखेंगे, वन जीरो तो आ गया, अब यहाँ भी जीरो चाहिए, यहाँ वन चाहिए, हमने क्या किया इस ऑपरेशन में, क्या किया कि हमने ए आर वन जो है इसमें सेवन से मल्टीप्लाई करके इससे घटा लेंगे आर टू से, तो जीरो आ जाएगा, वही कर दिया हमने। तो सेवन में क्या किया हमने, ये आपका आर टू में से क्या किया, सेवन आर वन को घटा लिया, सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो ये जीरो आया। तो यहाँ पे भी क्या किया हमने, सेवन से जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही होगा, फोर में से जीरो हो गया, फोर हो गया, यही ऑपरेशन मैंने यहाँ चलाया आपको, माइनस 28 आएगा, और आपको सेवन से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो सेवन प्लस वन आपका एट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑपरेशन क्लियर हुआ इस लाइन का। नेक्स्ट हमको अब चाहिए यहाँ वन, वन लाने के लिए क्या करना होगा, वन लाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, फोर से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो बाकी सॉल्यूशन हो गया। तो वन बाई फोर से हम लोग क्या करेंगे, आर टू के ऑपरेशन में डिवाइड कर लेंगे, जैसे ही फोर को डिवाइड करेंगे आर टू के ऑपरेशन में, तो जीरो से कोई फोर को डिवाइड करें जीरो ही रहेगा, फोर फोर जा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, 28 को भी अगर डिवाइड करेंगे फोर से तो कितना आएगा, सेवन आएगा माइनस में, और जिसको फोर से करेंगे तो टू आएगा। इस तरह से मेरा जो है ये मैट्रिक्स क्लियर हो गया। ए इनवर्स का वैल्यू कितना आया यहाँ से, फोर माइनस वन माइनस सेवन और टू, ये इनवर्स का हम लोग का आंसर आ गया। इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट।